आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको दाऊद और गोलियत की सच्ची घटना के बारे में बताने वाली हूँ, जो आपको शमूएल की पहली पुस्तक के 17 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले प्रियो कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए प्रियो, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह उस समय की बात है जब इज़राइल पर राजा शाऊल राज्य किया करता था और दाऊद अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराया करता था। उस समय दाऊद की उम्र लगभग 15 वर्ष की थी। उसी समय पलिश्तियों की सेना इज़राइलियों के विरुद्ध इकट्ठा हुई और राजा शाऊल ने भी अपनी सेना एला नामक तराई में इकट्ठी की। लेकिन शाऊल ने खुद पहले युद्ध की शुरुआत नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि यदि वह पहले हमला करेगा तो उसका ही नुकसान होगा। पलिश्ती सेना में एक वीर योद्धा था जिसका नाम गोलियत था। वह 6 हाथ 1 भीता लंबा अर्थात लगभग 9 फीट ऊंचा था। वह पीतल का कवच पहने हुए था जिसका वजन 57 केजी था और उसके हाथ व पांव में भी पीतल के कवच थे। उसके हाथ में 7 किलो से ज्यादा भारी भाला था और एक बड़ी सी ढाल थी। उसने इज़राइलियों को युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि अपने में से एक पुरुष को चुन लो जो मेरे पास आए और मुझसे लड़े। यदि वह जीतेगा तो हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे और यदि मैं जीतूं तो तुम सबको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा कहकर उसने इज़राइल की सेना को ललकारा। गोलियत की यह बात सुनकर शाऊल और समस्त इज़राइलियों का मन कच्चा हो गया और वे सब बहुत ही डर गए। वह पलिश्ती गोलियत 40 दिन तक हर सुबह शाम इज़राइलियों को यूं ही ललकारता रहा। इज़राइल की सेना में किसी की भी, यहां तक कि शाऊल की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उस पलिश्ती गोलियत का सामना कर सके, क्योंकि प्रियो परमेश्वर का आत्मा शाऊल पर से उठ गया था। तब एक दिन दाऊद के पिता यशे ने दाऊद से कहा कि यह अनाज और 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास जा, क्योंकि दाऊद के 3 बड़े भाई एलियाब, अमीनादाब और शम्मा पलिश्तियों से लड़ने के लिए शाऊल के साथ एला नामक तराई में थे। और यशे ने अपने पुत्रों का हालचाल पूछने के लिए दाऊद को भेजा ताकि पता करे कि उसके 3 पुत्र ठीक हैं या नहीं। तब दाऊद अपनी भेड़ बकरियों को रखवाले के पास छोड़कर अपने पिता की आज्ञा के अनुसार उस स्थान पर पहुंचा जहां इज़राइली पलिश्तियों के विरुद्ध इकट्ठा हुए थे। तब जैसे ही दाऊद वहां पहुंचा और अपने भाइयों का हालचाल पूछा, तभी वह गोलियत इज़राइलियों को पहले के समान ललकारने लगा। दाऊद उस पलिश्ती की सारी बातें सुन रहा था। उसी समय सारे लोग उसे देखकर उसके सामने से भागे। फिर इज़राइली लोग कहने लगे कि राजा ने कहा है कि जो कोई उस पलिश्ती को मारेगा राजा उसे बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे करा देगा। तब दाऊद ने पास खड़े लोगों से कहा, जो उस पुरुष को मार के इज़राइल की नामधराई दूर करेगा उसके साथ क्या किया जाएगा। तब लोगों ने वह सारी बात जो राजा के द्वारा कही गई थी दाऊद को बता दी। तब दाऊद ने कहा कि वह खतना रहित पुरुष क्या है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। तब एलियाब जो दाऊद का बड़ा भाई था, दाऊद की यह सब बातें सुनकर उस पर क्रोधित हुआ और उससे कहा कि तू यहाँ क्यों आया है और बकरियाँ किसके पास छोड़कर आया है? मुझे मालूम है कि तू यहाँ लड़ाई देखने आया है, जा और जाकर भेड़ बकरियाँ चरा। प्रियो, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जब भी हम प्रभु में और प्रभु के काम में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, शैतान ऐसे लोगों को हमारे सामने लेकर आता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। कई बार वह लोग हमारे अपने ही होते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि दाऊद को डिस्करेज करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बड़ा भाई था। प्रियो, मैंने भी अपने जीवन में इस चीज का सामना किया है कि जब मैं प्रभु में आगे बढ़ना चाहती थी, प्रभु के लिए कुछ करना चाहती थी, तो मुझे आगे बढ़ने से रोकने वाले मेरे अपने ही लोग थे। प्रियो, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? लेकिन ध्यान रखें प्रियो कि भले ही कोई हमें डिस्करेज क्यों ना करे, हमें प्रभु परमेश्वर पर
अपना भरोसा बनाए रखना है, जैसे दाऊद ने बनाए रखा। वह अपने भाई की बात में नहीं आया, वैसे ही हमें भी किसी की बात में नहीं आना है। सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर दिखना है। लोग हमें नीचे गिराएंगे, लेकिन हमें ऊंचा उठाने वाला हमारा परमेश्वर है। आगे हम देखते हैं प्रियो, जब यह बात शाऊल को मालूम पड़ी कि दाऊद ने गोलियत के लिए कैसी बात कही है, तो शाऊल ने दाऊद को बुलवाया। और जब दाऊद आया तो उसने शाऊल से कहा कि उस खतना रहित पलिश्ती से मत घबरा, मैं जाकर उस पलिश्ती से लड़ूंगा। तब शाऊल ने उससे कहा कि तू उससे नहीं लड़ सकता, क्योंकि तू अभी लड़का ही है और वह अर्थात गोलियत अपने बचपन ही से योद्धा है। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था। तब कोई शेर या भालू झुंड में से मेमना को उठा ले जाता तो मैं उसका पीछा करके उसे मारता और उसके मुंह से मेमनों को छुड़ा कर लाता था। और यदि वह मुझ पर हमला करता तो मैं उसके बाल पकड़ कर उसे मार डालता था। यहोवा ने मुझे शेर और भालू के पंजे से बचाया है, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। प्रियो, यहाँ हम दाऊद के जीवन में परमेश्वर के प्रति उसका विश्वास देखते हैं। एक तरफ इज़राइल की सारी सेना, यहाँ तक कि राजा शाऊल जो एक अनुभवी व्यक्ति था, उस गोलियत के सामने जाने से डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ 15 साल का भेड़ बकरियां चराने वाला दाऊद उस गोलियत की चुनौती को स्वीकार करता और उसके सामने जाने से नहीं डरा, क्योंकि वह जानता था कि उस गोलियत से भी ज़्यादा बलवान उसका परमेश्वर है, जो उसे उस गोलियत पर विजय दिलाएगा। प्रियो, कई बार हम भी बड़ी बड़ी समस्याओं को देखकर डर जाते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हम इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना कैसे करेंगे, हम में इतनी शक्ति ही नहीं है कि हम इसका सामना करें। लेकिन प्रियो, यदि आप दाऊद की तरह पलिश्ती को नहीं परमेश्वर को देखोगे तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हो। अक्सर हम मुश्किलों को देखते हैं, परमेश्वर को नहीं। दाऊद ने उस गोलियत के कद और उसके अनुभव की जरा भी चिंता नहीं की, क्योंकि वह जानता था इससे बड़ा और सामर्थ्य परमेश्वर मेरा सहायक है। वैसे ही प्रियो, यदि आप भी जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना प्रभु के सामर्थ्य से करोगे तो आप कभी भी पराजित नहीं होंगे। दाऊद के इसी विश्वास को देखकर शाऊल ने उसे गोलियत से लड़ने की अनुमति दे दी और उसे अपने वस्त्र पहनाए। लेकिन दाऊद को युद्ध के वस्त्रों का अनुभव नहीं था, इसलिए वह उन वस्त्रों को पहनकर चल नहीं सका। तब उसने उन वस्त्रों को उतार दिया और अपने हाथ में लाठी ले ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली में रखे और गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के सामने गया। तब वह पलिश्ती गोलियत भी दाऊद के पास आया तो उसने देखा कि दाऊद तो लड़का ही है और उसके मुंह पर लाली झलकती है और वह सुंदर है। तब वह पलिश्ती दाऊद को देखकर उसे तुच्छ समझने लगा और कहने लगा, क्या मैं कुत्ता हूँ जो तू मेरे पास लाठी लेकर आया है? और वह पलिश्ती अपने देवता का नाम ले लेकर दाऊद को कोसने लगा और उसने दाऊद से यह भी कहा कि आज मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को खिलाऊंगा। तब दाऊद ने कहा, तू तो तलवार और भला लेकर मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इज़राइल की सेना का परमेश्वर है, और तूने उसी को ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारकर तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा और तेरा शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जंतुओं को दे दूंगा। तब पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। प्रियो, यहाँ हम दाऊद के विश्वास को शब्दों में देखते हैं कि कैसे वह उस गोलियत की धमकी से डरा नहीं, बल्कि उल्टा उसे ही चुनौती दे दी कि आज मैं तेरे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। प्रियो, जब हम भी उस सच्चे और सामर्थ्य परमेश्वर पर अपना भरोसा रखते हैं तो हमें उस विश्वास को अपने शब्दों से प्रकट करना है, जैसे दाऊद ने किया। आप भी कह सकते हैं कि मुश्किल या परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर मुझे इस मुश्किल से बाहर जरूर निकालेगा। ध्यान रखिए प्रियो, आपका विश्वास आपके शब्दों से प्रमाणित होना चाहिए, क्योंकि प्रभु पर विश्वास रख के आप जो बोलेंगे वही होगा।
क्योंकि प्रियो आपके विश्वास के वचन ही आपको आपके शत्रुओं पर विजय दिलाएंगे। जैसा हम इस घटना में आगे देखते हैं कि दाऊद ने गोलियत से कहा कि यहोवा तलवार और भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, क्योंकि युद्ध यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। इसके बाद प्रियो, जब वह पलिश्ती दाऊद पर हमला करने के लिए पास आया तो दाऊद भी उसका सामना करने के लिए दौड़ा और अपनी थैली में से एक पत्थर निकालकर उसे गोफन में रखकर पलिश्ती गोलियत के माथे पर ऐसा मारा कि वह पत्थर उसके माथे में घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। फिर दाऊद दौड़कर उस गोलियत के ऊपर खड़ा हुआ और उसी की तलवार मयान में से निकालकर उसके सिर को तलवार से काट डाला। पलिश्ती लोग यह देखकर कि हमारा वीर योद्धा मर गया, वे लोग वहां से भाग गए। तब फिर इजरायली भी पलिश्तियों का पीछा करते उन्हें एक्रोन तक मारते गए और इस प्रकार दाऊद और इजरायली पलिश्तियों पर विजय हुए। प्रियो, बाइबल की यह घटना हम सभी को बहुत पसंद है, क्योंकि इस घटना से हम यह सीखते हैं कि यदि हमारा भरोसा परमेश्वर पर हो तो हम किसी भी समस्या से डरेंगे नहीं बल्कि उसका सामना करेंगे। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि हमें चुनौतियों को स्वीकार करना है, जैसे दाऊद ने उस गोलियत की चुनौती को स्वीकार किया। हमें भी अपने जीवन में दाऊद की तरह चुनौतियों से घबराना और भागना नहीं है बल्कि उनका डटकर सामना करना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और वो हमें हर चुनौती का सामना करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। अंत में एक महत्वपूर्ण बात जो इस घटना में हम देखते हैं कि दाऊद के पास ना तलवार थी, ना भाला था और ना ही ढाल थी, सिर्फ गोफन था जिससे उसने उस विशालकाय गोलियत को एक पत्थर ही से जमीन पर गिरा दिया, क्योंकि वह गोफन चलाने में माहिर था। वैसे ही आपके पास भी कुछ ऐसी योग्यता हो सकती है जिसका इस्तेमाल आप परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकें। आपको पहचानना है कि मेरे अंदर ऐसा क्या टैलेंट है जिससे हम लोगों के सामने परमेश्वर के सामर्थ्य को प्रकट कर सकें। ध्यान रखें प्रियो कि हम अपनी मुश्किलों को बड़ा ना समझें, बस यही याद रखें कि हमारा परमेश्वर उन मुश्किलों से भी बड़ा परमेश्वर है। आशा करती हूँ प्रियो, दाऊद और गोलियत की यह घटना आपके लिए आशीषित रही होगी। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।